नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में नई नई अपडेट देते हैं, यानी कि दिव्यांगता के बारे में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको पहले बता देते हैं। और आपको बता दें कि दिव्यांगजनों के लिए एक न्यू अपडेट आई है, जिसमें 33 साल के बाद यानी 33 ईयर के बाद सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि आप 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए अपडेट है कि आपको लाइसेंस कहीं पे भी बनवा सकते हैं, आपको बार बार RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपका आधार कार्ड, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका UDID कार्ड और पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और इसके साथ ही आपको अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो चाहिए, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से अगर गाड़ी सीख रहे हैं तो आपके पास वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लोग आपका RTO में सबमिट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट सबमिट होगा। और इसके साथ ही आपको ज़्यादा लंबा टाइम के लिए कहीं पर भी ड्राइविंग टेस्टिंग के लिए नहीं जाना होगा। गाड़ी आप कहीं पर भी चलाते हैं, आपको ड्राइविंग स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वही आपका ड्राइविंग टेस्ट माना जाएगा और उसी को अप्लाई किया जाएगा, उसी के बिहार पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। अब जो भी फर्जी काम होता है या कोई आपसे लाइसेंस की जेन्युइन फीस होती है वो ली जाएगी, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं होगा। बस आपको फॉर्म भरना और आपको नियम्स पता होने चाहिए रोड्स के, इसके बारे में पता होना चाहिए और अपने राइट्स का पता होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भरिएगा ड्राइविंग लाइसेंस का। तो इसके साथ ही आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये 1 जनवरी से लागू होने वाला है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ